हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ एक बार दोबारा से अपने चैनल पे। और मेरा नाम जतिन है, जैसे कि आप मुझे जानते हो। और आप लोगों का शुक्रिया करता हूँ क्योंकि मैं दोबारा से YouTube पे आ चुका हूँ। और जैसे कि आप आज के टाइम में सारी दुनिया का हालात देख रहे हैं, मैं अक्सर आपको अलग अलग दुनिया के बारे में उसकी डिटेल्स फैक्ट्स शेयर करता हूँ। पर आज मैं बात करने जा रहा हूँ उन्हीं कंट्रीज़ में जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा चीज़ फैली हुई है। उसका नाम है कोरोना वायरस, जिसको आज के टाइम में COVID-19 भी कहा जा रहा है। आज के टाइम में यहाँ क्या हाल चल रहे हैं और ये चीज़ कैसे शुरू हुई और हम इससे कैसे बच सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक तरह से थर्ड वर्ल्ड वॉर के नाम से ही जाना जा रहा है, क्योंकि जिसके कारण आज के टाइम में पूरी दुनिया में कई मौतें हो चुकी हैं। पर मैं बात करूँ उससे पहले कि ये कोरोना वायरस जिसके बारे में हम जानते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। ये कोरोना वायरस 1960 में सबसे पहले पाया गया, जिसका नाम ब्रॉनकाइस्टिक कोरोना 229E के नाम से जाना जाता था। जितने भी वायरस हैं ये सारे जानवरों और पक्षियों के द्वारा ही आए जाते हैं। 1960 में पाया गया कोरोना वायरस भी उस टाइम पे मुर्गियों के द्वारा पाया गया था। ये जो असर करता है हम इंसानों पे, वो गले और नाक के ऊपर सबसे पहले करता है। उसके बाद अगला कोरोना वायरस 2003 में पाया गया, जो कि चाइना में पाया गया था, जिसके कारण उस टाइम पे 8,096 लोग इसके वायरस की चपेट में आए थे, जिसके कारण उस टाइम पे 774 लोगों की मौत हो गई थी। इस वायरस को SARS-CoV नाम से भी जाना गया। और जो आज की डेट में 2019 में पाया गया कोरोना वायरस, चीन में ये पाया गया, तब भी उन्होंने यही सोचा था कि ये 2003 में पाया गया कोरोना वायरस, शायद ये वही कोरोना वायरस दोबारा आ गया, पर ऐसा नहीं था। उसके बाद अगला कोरोना वायरस पाया गया 2004 में। इस कोरोना वायरस का नाम था ह्यूमन कोरोना वायरस NL63। ये कोरोना वायरस 7 महीने के बच्चे के अंदर से पाया गया था, पर इस वायरस के द्वारा ज्यादा मौतें सुनने में नहीं आई। उसके बाद अगला कोरोना वायरस पाया गया 2005 में, ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1, जो कि उस टाइम पे चीन में पाया गया था। उसके बाद ये कोरोना वायरस ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा था, पर फिर भी इस कोरोना वायरस से भी किसी की मौत नहीं हुई थी। उसके बाद जो अगला कोरोना वायरस पाया गया था 2012 में, जो कि एशियन कंट्री में पाया गया था, सऊदी अरब में, इसका नाम था ह्यूमन कोरोना वायरस MERS-CoV। और ये कोरोना वायरस उस टाइम पे काफी सारे देशों में फैला था। सऊदी अरब से स्टार्ट होकर ये जर्मनी, कतर, मिस्र, यूरोप, कुवैत, तुर्की, ओमान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, यूके और दक्षिण कोरिया, अमेरिका, चीन, इंडोनेशिया और कई लोगों को इसने अपने लपेटे में लिया। लगभग 186 लोग इसमें बीमार पड़े थे और 38 लोगों की मौत हो गई। और दोस्तों, उसके बाद अब 2019 में COVID-19 की, जो कि पिछले साल 31 दिसंबर को चीन के हुबाई के राजधानी वुहान सिटी के अंदर फैला। चाइना के बहुत सारे लोग इसको वुहान वायरस के नाम से भी बुलाते हैं। दोस्तों, ये जो COVID-19 वायरस है, ये वुहान शहर की उस जगह से फैला जहां पर बहुत सारे जानवरों को खरीदा और बेचा जाता था। वहां पे 112 से ज्यादा जानवरों की नस्लें खरीदा और बेचा जाता था। और माना जाता है कि ये फैलने की वजह थी सांप, क्योंकि वहां के लोग सांपों को बहुत खाते हैं। और उसके बाद से फैलना शुरू हुआ। कोरोना वायरस को चाइना के लोगों ने कैसे पता चला, वहां पे बहुत ज्यादा नमूनिया के केस आने शुरू हो गए। तो उस टाइम पे 31 दिसंबर के बाद से वहां की सरकार को पता चला कि वहां पे कोरोना वायरस फैला है। उस टाइम पे उन्होंने सोचा कि वो कोरोना वायरस 2003 वाला है, पर वो वाला नहीं था, ये नया कोरोना वायरस था। और जैसे जैसे वो केस बढ़ते चले गए, तो उन्होंने सबसे पहले वुहान की जानवरों को बेचने वाली मार्केट थी उसको बंद करा, क्योंकि सबसे ज्यादा केस वहीं पे बढ़ने शुरू हो गए। और उसके बाद जब वहां पे पहली मौत हुई 1 जनवरी को, उसके बाद से मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। इसके लक्षण की बात की जाए तो इसके जो लक्षण शुरू होते हैं, बुखार से, सर दर्द से, गले में जलन, छाती में दर्द, खांसी, तेज धड़कन का बढ़ जाना, सांस लेने में दिक्कत, एक टाइम बाद आपकी जो लीवर है, किडनी है, वो फेल हो जाती है और उससे हमारी मौत हो जाती है। और उसके बाद देखते ही देखते पूरी दुनिया में ये फैलता चला गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का चाइना से आना जाना, क्योंकि चाइना एक बिजनेस कंट्री है, बहुत सारे लोग चाइना से डील करते हैं। जब वहां से ये फैलना शुरू हुआ, तो उसका सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा वो पड़ा यूरोपियन कंट्री में। दोस्तों, आज की डेट में पूरी दुनिया में लगभग 3 लाख लोग इससे पीड़ित हैं।
जिसमें से आज के टाइम में हमारे पूरे दुनिया के अंदर 12,831 लोगों की डेथ हो चुकी है और पूरी दुनिया इस वायरस को खत्म करने के होड़ में लगी हुई है, पर इसका अभी तक पुख्ता इलाज नहीं मिला। मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूँ जो कि आज की डेट का टिल अपडेट चार्ट है, जिसमें आपको एग्जैक्टली पता चलेगा पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। सबसे ज्यादा लोग इस बीमारी से लड़ रहे हैं वो है चाइना के अंदर, 81,000 लोग चाइना के अंदर है, जिसमें से आज की डेट में नए मामले 41 हैं और टोटल 3,255 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। और फिर भी उसके बावजूद भी चाइना ने 71,740 लोगों को रिकवर कर लिया है और एक्टिव केस 6,000 हैं और सीनियर सिटीजन उसमें से 1927 हैं। और टोटल जो केस की डिटेल्स हैं आपके सामने हैं, उस चाइना के बाद इटली में है, जिसमें 53,578 लोगों की इस वायरस से जो ग्रस्त हैं लोग, जिसमें से जो नए केस हैं 6,557 लोग। और अगर आप आंकड़े की बात की जाए तो चाइना से ज्यादा मौतें इटली के अंदर हो चुकी हैं। उसके बाद आगे देखेंगे तो स्पेन, जिसके अंदर 25,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से ग्रस्त हैं, उसके बाद यहां भी 1,378 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर यूएस की बात की जाए तो यूएस के अंदर भी 22,213 लोग ग्रस्त हैं, जर्मनी के अंदर भी 21,000 लोग हैं, ईरान के अंदर भी 20,600 लोग हैं। आप एक चीज देखें, यूरोपियन कंट्रीज इससे ज्यादा ग्रस्त हैं। और आज की डेट में आपको मैं दिखाऊं तो ये बहुत सारी कंट्रीज की लिस्ट है, मैं जैसे जैसे आपको स्क्रॉल कर रहा हूं आप देखते जाइए, 170 कंट्री है इसके अंदर जो कि आज के टाइम में इस वायरस से ग्रस्त है और हर एक कंट्री इसके लिए फाइट कर रही है। आज मैं अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर भी लगभग 4 मौतें हो चुकी हैं और इंडिया के अंदर 800 लोग इस वायरस से लड़ रहे हैं। और जहां तक सुनने में आया है कि जयपुर की एक डॉक्टरों की टीम ने इसका रिकवर करने का इलाज ढूंढ लिया है। इंडिया ही ऐसी कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से चाइना के बाद दूसरे नंबर पर, ये चीज बहुत कम फैली है। और इसका सबसे बड़ा योगदान तो हमारे प्रधानमंत्री जो है मोदी जी ने, उन्होंने जैसे ये खबर इंडिया के अंदर पहुंची, सारा जो ट्रांसपोर्टेशन था उस पर रोक कर ली, बाहर आने जाने की फ्लाइट सारी बंद कर दी, सिस्टम को कंट्रोल में कर लिया, हॉस्पिटल स्कूल्स कॉलेजेस सबको बंद करा दिया और 22 मार्च को पीपल्स कर्फ्यू लगा दिया है। कि उन्होंने ये न्यूज़ कर दी है कि कोई भी आदमी कहीं भी नहीं जाएगा, अगर आप लोगों को बहुत ज़रूरी है तो आप बाहर निकलेंगे, अदरवाइज जितने भी लोग हैं अपने घर से बिजनेस करिए, घर से काम करिए। और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जो कि ये किसी से मेल जोल से ही फैलता है। कि आप इससे कैसे लड़ सकते हैं कि आप कोशिश करिए अपने घर से बाहर ना निकलें, लोगों से मेल जोल कम रखें और कम से कम 3 मीटर की दूरी बना कर रखें, किसी से अगर मिलना भी हो, किसी से बात करनी हो, और कोशिश करिए कि फ़ोन से बात की जाए, साफ़ चीज़ों का ध्यान रखें, कोशिश करें कि आपके आसपास गंदगी ना रहे, अंडे और नॉनवेज आइटम मत खाएं जिससे ये वायरस फैलने के ज़्यादा चांसेस हैं, भीड़ भाड़ वाले एरिया में मत जाएं, लोगों को घर पे आने से मना करें और लोगों के घर जाने के लिए आप भी अवॉइड करें, मास्क जरूर लगाएं क्योंकि ये वायरस जो है, या कोई भी आदमी आपका छींकता है तो ये उससे फैलता है। तो कोशिश करिएगा मास्क लगाएं, अपने हाथों को ग्लव्स से ढक के रखें, किसी भी अनजान चीज़ को ना छुएं जिससे आपको लगता है कि कोई तीसरा व्यक्ति उसको चीज़ को छू के गया है। जब भी आप हाथ धोएं तो कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथों को अच्छी तरह रगड़ें और हाथ धोने के बाद सैनिटाइजर से भी एक बारी हाथ साफ करें। और बहुत सारी चीज़ें हैं इस बीमारी से बचने के लिए, अगर हमने इन चीज़ों पर काबू पा लिया तो मुझे लगता है कि हम कोरोना वायरस को हमारे इंडिया में फैलने से रोक सकते हैं। हमारी सरकार जो अपनी तरफ से कोशिश करती है और हमें भी अपनी तरफ से ये कोशिश करनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं अपने आने वाली पीढ़ी को आगे तक लेके जाना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये वायरस हमारे घर तक पहुंचे। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरी आप तक पहुँचाने का मकसद ये था कि कोरोना वायरस ये पूरी दुनिया में कैसे फैल रहा है, इस वक्त क्या हाल चल रहे हैं और पूरी दुनिया में क्या हालात हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये वीडियो के थ्रू आपको पता चल जाए और आप अवेयर हो जाएं। लोग इस चीज़ को लेके सीरियस नहीं हैं, लोग आराम से घूम रहे हैं, तो आप इस चीज़ को लेके सीरियस हो जाएं कि पूरी दुनिया में महामारी छाई हुई है, बहुत सारे लोग मर चुके हैं और अभी तक हमारे इंडिया में ऐसा नहीं हुआ, उसकी वजह अवेयरनेस है। और हम चाहते हैं जिन लोगों को नहीं पता, जो न्यूज़ नहीं देखते, जिनके तक ये चीज़ें नहीं पहुंच पा रही, आप उनसे भी ये चीज़ें शेयर करो, उनको बताया जाए कैसे वो इस बीमारी से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए ये बताने का मेरा मकसद था और मैं चाहूँगा इस वीडियो को आगे अपने सर्कल में शेयर करिएगा दोस्तों, जिससे वो लोग अवेयर हो सकें इस वायरस से कैसे बचा जाए। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।